सब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। सो वेलकम बैक टू दाढ़ीवाला ब्लॉगर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई रमाकांत त्रिपाठी। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेके जा रहे हैं जहां पे खुद में एक अनोखी बात है। जैसे कि आपने देवी देवताओं के मंदिर देखा होगा, भगवान विष्णु का देखा होगा, महेश का देखा होगा, ब्रह्मा का देखा होगा, माता लक्ष्मी का देखा होगा, दुर्गा माता का देखा होगा, माँ सरस्वती का देखा होगा, लेकिन ये मंदिर एक अद्भुत है। अद्भुत इसलिए मैं कहूँगा इसे, क्योंकि इस मंदिर में ना कोई देवी है ना कोई देवता है, एक इंसान का मंदिर है जिसे लोग भगवान से ज़्यादा पूछते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू जो है वीडियो कंटिन्यू शूट होता रहेगा। मोटो ब्लॉगिंग के साथ साथ आपको सारे वीडियो सारे एरिया की जानकारी मिलेगी। यहाँ पे कैसे आपको पहुँचना है ये भी आपको सारा डिटेल आपको जो है डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा। यहाँ पे मान्यता एक और है कि यहाँ पे लोगों की जो है मनोकामना काफ़ी पूरी होती है, इसलिए लोग बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। तो फिलहाल मैं अभी तो वीडियो जो है यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से मुझे लगभग जो है 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अभी हम लोग हैं फिलहाल जो है मेजा पहाड़ी पे प्रयागराज में। सो फ्रेंड्स, फिलहाल तो हमारा सफ़र जो है शुरू हो चुका है और हम लोग जो है एक शॉर्टकट रूट भैया ने बताया कि एक शॉर्टकट रूट है जो कि अगर आप जाएंगे तो लगभग जो है 13-14 किलोमीटर में आप जो है लोकेशन में पहुँच जाएंगे। रोड भी काफ़ी खाली है लेकिन काफ़ी कहीं कहीं रोड पे गड्ढे भी नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा बच के और संभल के गाड़ी चलाना होगा हमें। चलिए फिर आगे चलते हैं। तकरीबन जो है काफ़ी समय बीत चुका है इस सड़क पे, पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह नहीं थी लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो सड़कें जो है लगभग देखा जाएगा तो बाएं और दाएं यानी लेफ्ट और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो सारी दुकानें वगैरह आ चुकी हैं। काफ़ी लोग मतलब डेवलप हो चुका है ये एरिया भी, मतलब अगर आप बात करें दुकानों की, आप बात करें हॉस्पिटल्स की, छोटे छोटे डिस्पेंसरीज की। देखिए यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, यहाँ पे अक्सर यहाँ पे आप देखेंगे तो गड्ढे आपको सड़कों पे कहीं ना कहीं नजर आएंगे। सरप्राइज वाले गड्ढे होते हैं यानी कि अचानक आप जा रहे हैं अचानक गड्ढे आ गए, इसके लिए बी सेफ वाइल्ड ड्राइविंग। और आपको बताना चाहूँगा कि धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, मौसम जो है काफ़ी मतलब सनी है। चलिए फिलहाल तो है आप एंजॉय करिए, म्यूजिक का मजा लीजिए, मैं फोकस करता हूँ कंसंट्रेट करता हूँ बाइक चलाने पे ताकि मैं जल्द से जल्द पहुँच सकूँ। यूपी में स्पेशली अगर देखा जाएगा तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ईंट के भट्टे वगैरह अगर आप देर दूर से देखेंगे तो वहाँ चिमनी नज़र आ रही है, वो ईंट का भट्टा। ओए तेरी तो बच गया। चलो फिर तो आपको बताना चाहूँगा ईंट के भट्टे यहाँ पे बहुत ही पैमाने में होते हैं, पेट्रोल पम्प आपको नज़दीक में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन ये इंटरनल रूट है, अंदर का रोड है जहाँ पे आपको शायद रोड जो है टोटल इंटरलॉकिंग मिले। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रोड जो है लगभग बीच बीच में जहाँ पे मार्केट एरिया है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे इंटरलॉकिंग वाले रोड मिल जाएंगे आपको।
सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे जहां हमें आना था, और यहां पे पार्किंग की भी फैसिलिटीज है यहां पे। माता जी भी है, काफी वृद्ध अवस्था में यहाँ 15-20 साल से। वीडियोग्राफी तो फिलहाल काफी हो चुकी है, हम भी लगे हाथ दर्शन कर लेते हैं बाबा जी का, और हम भी प्रार्थना करते हैं कि जीवन में जो है सभी हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, नेबर्स, हमारे दोस्त, हमारे परिवारजन, हमारे परिजन सभी सुखी और समृद्ध रहें। और चलिए बाबा जी का दर्शन करते हैं। और यहाँ देखेंगे तो काफी भीड़ है यहाँ पे, लोग जो है, ये पेट यार, ये पेट किसका आ गया सामने अचानक? चलिए मंदिर में देखिए, अगर आप देखेंगे तो यंगस्टर जो क्राउड है, यंग क्राउड है, बहुत ही ज्यादा तादाद में होती है। ये लोग बेचारे अपने सेल्फी वगैरह के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं हर समय, अगर आप देखे हो।
सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और बाकी सब सुख सुविधाएं वगैरह जो है सारी फैसिलिटीज वगैरह सही है। लेकिन मुझे एक चीज का मुझे यहाँ पे ड्रॉबैक लगा कि जैसे जो मैनेजमेंट है, जो ट्रस्टी है बाबा महाराज के, वहां पे बगल में एक उनका ऑफिस था, वो लोग आराम से ऑफिस में बैठे हुए हैं। यहाँ जो क्राउड है, ये जो लाइन है, लाइन से मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से दर्शन अगर करने को मिले सभी को बारी बारी से तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ कोई देख नहीं रहा है, कोई अगल बगल में कोई कहीं से भी घुस जा रहा है, ये जो सिस्टम मुझे गड़बड़ लगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो मुंडन की मान्यता होती है, तरह तरह की मान्यता होती है, किसी की बेटियों की शादी की मान्यता होती है या नौकरी की मानता है या जो भी घर में कलह परेशानी होती है, तो जो भी मानता होती है होने पूर्ण होने के बाद यहाँ लोग आते हैं, रामायण कथा पूजा हवन सारी चीजें यहाँ होती है। तो ये जो स्पेस दे रखा है काफी बेहतर है, साफ सुथरा। ये देखिए रामायण वगैरह जो चल रहे हैं, फाइनली हमें यहाँ वीडियो को एंड करना होगा। अभी हमें बहुत लोकेशन पे जाना है, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं ऑफिस के भी। उसके अलावा अगर आपको किसी लोकेशन का, किसी नाके का, चौराहे का, किसी गांव का, किसी बाजार का, किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी लोकेशन का अगर आपको वीडियो पसंद हो, स्पेशली इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ मैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।